दुनिया में तबाही और त्राही त्राही मचाने वाला कोरोना वायरस चीन का एक जैविक हथियार था, जिस पर चीन 2015 से विचार कर रहा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में तबाही और त्राही त्राही मचाने वाला कोरोना वायरस चीन का एक बायोलॉजिकल वेपन, जैविक हथियार था, जिस पर चीन 2015 से विचार कर रहा था। कोरोना नए युग का जैविक हथियार था चीन के खिलाफ। ये एक वाक्य आप यकीन मानिए सबको गुस्से से भर देता है, लेकिन ये दावा अमेरिका की एक विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में किया गया। ये दावा अमेरिका की विदेश विभाग की रिपोर्ट में किया गया। सोचिए ना, शायद यही वजह है कि चीन के जिस वुहान शहर से करीब 20 महीने पहले कोरोना वायरस दुनिया में फैला था, वुहान में स्थिति बहुत सामान्य है, जैसे कोरोना था ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल सामान्य वुहान में चीन में। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर त्योहार मना सकते हैं उस चीन में जहां से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, लेकिन वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं है। वुहान से वायरस निकलकर दुनिया में जहां जहां पहुंचा वहां वहां हाहाकार मचा। सोचिए कैसे संभव हुआ कि कोरोना की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ढह गई और चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। कैसे? इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस चीन की ही लैब में तैयार हुआ और चीन इसी वजह से कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुआ, क्योंकि जब तैयार खुद ने किया तो काट भी खुद के पास थी। ये दावा अमेरिका की एक विदेश विभाग की रिपोर्ट में किया गया। क्या क्या दावे हैं देखिए। 2015 में कोरोना पर 2015 में ही चीनी वैज्ञानिकों और पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए, चीन की जो पॉलिटिकल आर्मी है, उसके बीच में चर्चा। ये अमेरिका के विदेश विभाग का दावा है कि इस पर तो 2015 से चीनी वैज्ञानिकों और पीएलए ने चर्चा चल रही थी। 2015 में ही जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर विचार, 2015 से विचार कर रहा था चीन। चीनी वैज्ञानिकों ने कहा यह नए युग का जैविक हथियार होगा, वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को हथियार बनाने की तैयारी। जो आप देख रहे हैं डबल म्यूटेशन, अलग अलग स्ट्रेन है, बहुरूपिया वायरस, इच्छाधारी वायरस, रूप बदल रहे, सब चीन के दिमाग में था। ये वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को हथियार बनाने की तैयारी थी, अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है। दुश्मन के चिकित्सा तंत्र को वायरस से ध्वस्त करने की तैयारी थी और कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद संभवतः चीन इसमें सफल भी रहा है। इसलिए पहले देशित में आपको जानना चाहिए कि जैविक युद्ध की परिभाषा क्या है, होता क्या है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको कहा जाता है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर दरअसल जैविक युद्ध सेना आम लोगों और पशु पौधों को वायरस के इस्तेमाल से मारने को कहा जाता है। इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होता है। आधुनिक दुनिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड में बड़े पैमाने पर दुश्मनों के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 दुश्मन देशों में फसलें तबाह करने और महामारी पेंडेमिक फैलाने के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स वी ग्लैंडर्स नाम के वायरस का इस्तेमाल किया। जर्मनी ने एंथ्रेक्स वी ग्लैंडर्स नाम के वायरस का इस्तेमाल किया। 1940 के दशक में ब्रिटेन और अमेरिका ने तुलारेमिया, एंथ्रेक्स ब्रुसेलोसिस और बॉट्यूलिज्म की मदद से बड़े पैमाने पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जैविक हथियार तैयार किए थे। ऐसा नहीं है पहली बार चीन ने किया। 1930 से 1940 के दशक में चीन जापान युद्ध के दौरान जापानी वायुसेना ने चीन के निंगबो शहर पर भारी संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, भारी संख्या में प्लेग से संक्रमित कीड़ों से भरे सैनिक बम गिराए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में जापान ने टाइफाइड वायरस को सोवियत संघ की पानी पाइपलाइनों में मिला दिया था। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये सारी चीजें जो चीन ने इस बार करने की कोशिश की। 2000 ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। 2001 में अमेरिकी संसद और मीडिया के सदस्यों को एंथ्रेक्स के विषाणु से संक्रमित पत्र भेजे गए। जो लेटर्स आए उस पर वायरस था, एंथ्रेक्स के विषाणु से संक्रमित पत्र भेजे गए मीडिया के सदस्यों को, अमेरिकी संसद को। 2001 में अमेरिका हमले में 22 लोग बीमार पड़े, 5 की मौत भी हो गई। कहा जाता है कि कई देशों ने प्लेग, पोलियो और चेचक के वायरस सुरक्षित रखे हुए हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई देशों ने प्लेग, पोलियो और चेचक के वायरस सुरक्षित रखे हुए हैं ताकि इनका जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि 2013 तक दुनिया के 170 देश वायरस वेपन के खिलाफ संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 170 देश, भारत जैविक हथियारों की दौड़ में कभी शामिल नहीं रहा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने साफ कहा था कि भारत जैविक हथियार नहीं बनाएगा क्योंकि यह मानवता के खिलाफ सबसे क्रूरतम चीज है, लेकिन चीन का मानता ये चीजें।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। पिछले महीने जब एकाएक केस बढ़े तो बेड, ऑक्सीजन, टेस्ट सबके लिए मारामारी होने लगी, लाइनें लगने लगी, लोग सरकारों को जिम्मेदार ठहराने लगे कि सरकारों ने कोई तैयारी नहीं की, सरकार के पास संसाधन नहीं है। हर कोई सरकार को महामारी की दूसरी लहर के जिम्मेदार ठहराने लगा। लेकिन हमने क्या किया? क्या हमने लापरवाही नहीं बरती? क्या हमने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया? नहीं। अभी अलग अलग शहरों में ऐसी तस्वीरें देखिए आप, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं जनाजे में, कहीं शादी की पार्टी में, तो कहीं वैक्सीनेशन के लिए लाइन में। मतलब सरकार को तो जिम्मेदार ठहराएंगे लेकिन अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन इन्हें कोई नहीं डर। लॉकडाउन में कहां इकट्ठा हुए हजारों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों की संख्या का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। ये एक जनाजे में उमड़ी भीड़ है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की हैं। राज्य में लॉकडाउन है, इसके बावजूद जनाजे में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। दरअसल बदायूं शहर के काजी शेख अब्दुल हमीद का रविवार को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा में लॉकडाउन गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस भीड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अंतिम संस्कार में 2000 के करीब लोग मौजूद रहे होंगे। अब आप सोचिए, इस भीड़ में अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कितनों को संक्रमण फैलाएगा, और फिर ये लोग अपने अपने घरों पर जाएंगे तो वहां कितनों में संक्रमण फैलाएंगे। सवाल तो बदायूं पुलिस पर भी है कि उसने इस जनाजे की भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया। हालांकि दिखावे के लिए ही सही, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बदायूं के लोग अगर कोरोना की गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें इन चेहरों को ध्यान से देखना चाहिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बदायूं से अलीगढ़ की दूरी सिर्फ 125 किलोमीटर है, और बीते एक हफ्ते के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 15 प्रोफेसर कोरोना से जान गंवा चुके हैं। महामारी की दूसरी लहर में अब तक एएमयू के प्रोफेसर और कर्मचारी मिलाकर 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ये शादी का जश्न है, डीजे बज रहा है, लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की हैं। छत्तीसगढ़ संक्रमण के मामले में टॉप 15 राज्यों में है और यहाँ लॉकडाउन भी है। इसके बावजूद इस शादी में घनघोर लापरवाही बरती गई। शायद आम आदमी के घर शादी होती तो पुलिस धमक जाती, लेकिन ये शादी छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मरकामा के भतीजे की थी। राज्य में सरकार कांग्रेस की है तो मुश्किल है कि कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन को लेकर नेताजी या उनके रिश्तेदारों पर कोई कार्रवाई हो। लोग वैक्सीन इसलिए लगवा रहे हैं ताकि कोरोना से खुद को बचा सके, लेकिन शहर शहर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर तो यही लगता है कि वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो कोरोना लेकर ही आएंगे। गाजियाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर देखिए। लोग में खुद समझ नहीं है कि लाइन में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग कर ले। दूसरी तस्वीर नोएडा से भी देखिए, यहाँ भी वही हाल है। नोएडा में पहले दिन 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए लग गए लाइन में। हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस बुलानी पड़ी। पटना के एक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखिए, यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर वैक्सीन लगवाने के लिए खड़े हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी एक को भी कोरोना हुआ तो बाकी का क्या होगा? शहर बदल जाएगा लेकिन तस्वीर नहीं बदलेगी, लापरवाही नहीं कम होगी। खुशी हो, मातम हो,
या फिर अपनी जान की परवाह की बारी हो, हकीकत तो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने से बचते हैं और खतरा बढ़ने पर सिर्फ सरकारों पर दोष डाल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तहर शहर कोरोना के सुपर स्प्रेडर हैं, लोग मान ही नहीं रहे। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बहाना सड़कों पर उतरने का, भीड़ में जाने का और कोरोना फैलाने का। अभी ऐसी तस्वीरें हरिद्वार की आई हैं, हरिद्वार की हर की पेड़ की तस्वीरें। वहां पर भी इसी तरह से लोग भीड़ रेलम पे लगे हुए हैं, लोग बड़ी संख्या में लोग हैं वहां पर। अभी हमने आपको जनाजे की तस्वीरें दिखाई थी, अब आप ये देखिए, ये हरिद्वार की तस्वीरें, हरिद्वार की हर की पैड़ी की तस्वीरें। वहां पर भी देखिए आप, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। कोरोना को लेकर सबसे बड़ा युद्ध इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है, और इस तरह की तस्वीरें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर करती हैं, इसको कहने में कोई हिचक नहीं है। इस तरह की तस्वीरें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर करती हैं। हरिद्वार की तस्वीरें हैं, हर की पैड़ी की तस्वीरें हैं। और अब गांव तक पहुंच चुका है ये कोरोना वायरस, बहुत तेजी से, बहुत चिंता की बात है। और इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, हमारे पास देश के अलग अलग गांव से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना मरीज मिले हैं। कई गांव में पिछले एक हफ्ते में जितनी मौतें हुई हैं उतनी तो बीते कुछ महीनों में नहीं हुई है। ये अचानक से एक स्पाइक देखा गया गांव में। खासकर हमारी कोशिश है कि हम आपको अलग अलग राज्यों के गांव से एक सच्ची रिपोर्ट दिखाएं, फैक्चुअल। उससे पहले आपको बता दें कि गांव में कोरोना की स्थिति क्या है। देखिए, एक रिसर्च है, इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के केस गांव में तेजी से बढ़ रहे हैं। मार्च में कोरोना के नए केस में गांव का हिस्सा 36 लगभग 37% था। अप्रैल में बढ़कर अब वो 45.5% पहुंच गया, मतलब जितने ओवरऑल केसेस आ रहे हैं उसमें से 45.5% गांव से आ रहे हैं, 45-40%। मई के 10 महीने में ये आंकड़ा बढ़कर जो है वो लगभग 49% तक पहुंच गया, मतलब ओवरऑल जितने केसेस उसमें से 48.5% गांव से आ रहे हैं, आधा लगभग समझिए। देश की कुल आबादी में 83 करोड़ से ज्यादा लोग तो गांव में रहते हैं। अब इन पर बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है गांव की तरफ। अब आपको कुछ गांव की रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप गांव में कोरोना की दूसरी लहर के हालात और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम को समझ पाएंगे। आप सोचिए, शहरों में ये हाल है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था वर्ल्ड क्लास होने का दावा किया जाता है, दिल्ली मुंबई वहां सिस्टम बैठ गया है। जब ये कोरोना गांव में पहुंच रहा है और वहां पर इस तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां क्या हाल हो रहा है। अब तक आपने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे महानगरों में बेड की किल्लत, ऑक्सीजन के लिए लंबी कतार और शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग की तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन गांव के हालात क्या हैं? ये सोचा है, शहर तो संभल जाएंगे, गांव को कैसे बचाएंगे? गांव जहां ना तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, ना ही लोगों में कोरोना को लेकर उतनी समझ है और ना ही प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम। सोचिए, वहां अगर कोरोना पहुंच गया है तो स्थिति क्या होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, जो दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो गई है। बागपत के खकरौत गांव की गलियों में सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि गांव में कोरोना की दहशत है। बीते एक हफ्ते में खकरौत गांव में 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अब की बार तो जो लोग डरे हुए हैं, अपने आप ही डरे हुए हैं। निरंतर इतनी मृत्यु हो रही है गांव में, पता नहीं क्या महामारी है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई गांव में? 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई 8-7 दिन के अंदर अंदर। 7-8 दिन के अंदर? हाँ जी। तो सबका बुखार और ये सब? बुखार, खांसी वगैरह, यही। तुमको दिखाया नहीं? नहीं, कहाँ पे दिखाना, अस्पताल में तो कोई सुविधा ही नहीं है ना यहाँ पे। सुना आपने, गांव के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से इतने लोगों की मौत क्यों हो रही है। दरअसल गांव के लोग अभी भी कोरोना के खतरे से अनजान हैं। खकरौत गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और आगे गंदा नाला बह रहा है। कोरोना के इस भयावह काल में गाँव की क्या स्थिति है, गाँव में जो हालत है वो क्या है? देश की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संकरौत गांव है। हमने यहां से शुरुआत की और हम अलग अलग गांव में जाएंगे क्योंकि हम शहरों की तस्वीर देख रहे हैं, शहरों के अस्पतालों की तस्वीर देख रहे हैं कि वहां हालत क्या है। लेकिन असल में
देश के गाँव में इस वक्त हालत क्या है? अगर बीमार कोई गाँव में पड़ रहा है उसको किस तरह की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल पा रही? सांकरौद गांव में एकमात्र हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये इसको तैयार किया गया, और इसकी हालत आप देख लीजिए। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2:45 का वक्त है। सुबह से लेके शाम तक या फिर शाम तक, अगर आप ये कहें कि पूरे समय में, आज ये आपको ज़रूर बता दें कि सांकरौद में एकमात्र ये डिस्पेंसरी कह लीजिए, अस्पताल कह लीजिए, एकमात्र यही सहारा है लोगों का। लेकिन क्या ये खुलता है? क्या यहाँ डॉक्टर आते हैं? और यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को बुखार आता है, कोई कोरोना से पीड़ित होता है, वैसी स्थिति में यहाँ इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं तो स्थिति क्या पता चलती है? खुला है, नहीं खुला है? गाँव के लोग क्या बताते हैं? तत्काल यहाँ जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? कितनी दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर या फिर दिल्ली जाऊंगा। उसके बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप इलाज के लिए जाएं? कोई जगह नहीं है। बागपत के ही मावी कला गांव में भी कोरोना से हालात खतरनाक हो गए हैं। बीते एक हफ्ते में इस गांव में भी करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस गांव में 1400 से ज्यादा घर हैं, लेकिन गांव के लोग बता रहे हैं कि हर घर में कोई न कोई बीमार जरूर है। पहले तो यहाँ हमारे अनवर डॉक्टर हैं खेगड़ा, ज्यादातर आदमी वहीं जा, उसके बाद वहाँ उनसे निकल जा तो फिर मेरठ जाओ या दिल्ली, ये होगा करीबन यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास। इस गांव में क्या होता है? इस गांव में क्या व्यवस्था होती है? इस गांव में यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल बागपत के इस गांव में कोई सरकारी अस्पताल तो क्या, एक प्राइवेट अस्पताल भी नहीं है। गांव के लोग झोला छाप डॉक्टरों से ही इलाज कराने को मजबूर हैं। व्यवस्था या तो झोला छाप डॉक्टर के हाथ में है कि वो देख लें, उसके कारण ही धीरे से जो बुखार चढ़ता है, कोरोना संक्रमण का पता नहीं चल पाता, वो बुखार ही चढ़ता है, वो इलाज करते हैं। इलाज के दौरान वो और तेजी से संक्रमण बढ़ता जाता है, अंत हो जाता है डेथ। अब गांव में तो यही समझा जाता है कि बुखार से डेथ हो गई, अब संक्रमण था या नहीं था ये कैसे जानकारी हो पाएगी? बागपत के गांव में भले ही अस्पताल न हो, लेकिन सरकारी स्कूल अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद का ये खेकड़ा गांव है। हम ये मानते हैं कि छोटे छोटे गाँव में बड़े अस्पताल नहीं हो सकते, बड़े स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो सकते, वो इस वक्त इस लेवल पे हमारे यहाँ विकसित नहीं किए गए हैं। छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं, छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, लेकिन जब मैंने ये स्कूल देखा यहाँ के इस गांव का, तो ये ज़रूर ध्यान में आया कि अगर सरकार या सिस्टम चाहे तो इन स्कूलों को बड़े आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ वो व्यवस्थाएँ डेवलप करके आसपास के गाँव में जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावित मरीज हैं, उनको एक ऐसी जगह लाया जा सकता है जहाँ आपके पास इतनी जगह है, इस जगह को एक बड़े आइसोलेशन सेंटर में आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये कोरोना तो चला जाएगा, चाहे वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो, कोविड प्रोटोकॉल से कंट्रोल हो, डीआरडीए की दवाई से कंट्रोल हो, लेकिन काबू में तो आएगा ही। अब खतरा ये दिख रहा है कि जब लोग कोरोना को हरा दे रहे हैं, संक्रमण के बाद ठीक हो जा रहे हैं, तब कुछ लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारी पकड़ रही है जिसका अगर सही समय पर पता ना चले तो आंखें निकालनी पड़ रही, सही सुन रहे, जबड़े निकालने पड़ रहे, नाक की सर्जरी करनी पड़ रही। और इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस इसलिए क्योंकि ये काले रंग के फंगस के कारण हो रही है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बार जिसे कोविड हो रहा है उसके बाद ये म्यूकर माइकोसिस नाम की बीमारी मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ा रही है क्योंकि इसमें मोर्टैलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में इसके मरीज मिल रहे हैं, लेकिन खतरा इतना बढ़ता जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इसे लेकर एक डिटेल यानी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत में रोज औसतन 4 लाख कोविड के मरीज मिल रहे हैं। भारत में रोज औसतन 3.5 लाख कोविड मरीज ठीक हो जा रहे हैं और इस साल कोरोना को हरा कर घर लौटने वाले भारत के ऐसे ही 1.87 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने जारी की है एक खतरनाक बीमारी की चेतावनी। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को तेजी से एक फंगल इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले रहा है जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को साइनस जैसी समस्या शुरू हो रही है
लेकिन ब्लैक फंगस यानी म्यूकर इतनी तेजी से फैल रहा है कि जबड़े और नाक से लेकर आंखों तक पहुंच जा रहा है, और अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो ये प्राण घातक भी साबित हो सकता है। म्यूकर माइकोसिस फंगस से होने वाली बीमारी है जिसमें काले रंग का फंगस बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता है। जहां ये संक्रमण होता है वहां की त्वचा या अंदरूनी हिस्सा काले रंग का पड़ जाता है। ज्यादातर नाक मुंह के जरिए होने वाला ये संक्रमण अगर दिमाग तक पहुंच जाए तो मौत तक हो सकती है। इस बीमारी के घातक नतीजों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने पहले ही देश को आगाह कर दिया है। म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। खतरा ये है कि ये काला फंगस वातावरण में हर जगह मौजूद हो सकता है, क्योंकि धूल कणों से लेकर पेड़ पौधों तक, खेतों से लेकर बगीचों तक ये हर जगह मौजूद हो सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि गन्ने के ऊपर काले रंग की जो पाउडर नुमा चीज दिखती है ये वही ब्लैक फंगस होता है, और अगर ये फंगस कोरोना से लड़कर कमजोर हो चुके मरीजों में नाक मुंह या कटी हुई त्वचा के जरिए पहुंचता है तो संक्रमण फैला सकता है। खासकर कोविड की सेकेंड वेव में इस बीमारी के मरीज बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में म्यूकर माइकोसिस के 110 मरीज आ चुके हैं। तो ये 15-20 दिनों से काफी प्रॉब्लम आ रही है, और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15-20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में भी म्यूकर माइकोसिस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 12 सेंटर्स पर 21 महीने तक ऐसे मरीजों के आंकड़े जमा किए गए तो पता चला कि एक साल में औसतन 22 मरीज मिलते हैं, लेकिन पिछले एक महीने में एक अस्पताल में 110 मरीज मिल चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूकर माइकोसिस कितनी तेजी से कोरोना के पूर्व मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोविड मरीजों के अंदर मिल रहे लक्षणों को देखते हुए माना जा रहा है कि कोविड के इलाज के दौरान मरीज को दिए जाने वाले स्टेरॉइड से शुगर का लेवल बढ़ना म्यूकर के संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहा है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि आईसीयू में लंबे वक्त तक ऑक्सीजन पर रहे मरीज को फ्लोमीटर की नमी के कारण म्यूकस का खतरा बढ़ रहा है। तीसरा कारण है कि शुगर, लिवर, किडनी या ट्रांसप्लांट के मरीजों में प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखना, हमेशा ही स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने। तीसरी चीज कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ हो। चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज है वो साफ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो, हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रेशन उसके फेस पे नहीं हो। पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग सूजन महसूस हो रही है या मुंह में अल्सर आ रहा है तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है। अगर तमाम सावधानियों के बाद भी म्यूकर का संक्रमण हो जाता है और सही समय पर पहचान हो जाती है तो इलाज आसान हो सकता है। जहाँ जहाँ ये फूग है, फूग एक उदय की जैसे तिमक के जैसा है, जहाँ जहाँ होती है वहां पे हमें उसको काट के फेंक देते हैं, जैसे गैंग्रीन होता है उसको काट के फेंक देते हैं, और फिर आगे ना बढ़े उसके लिए ये मेडिसिन देनी पड़ती है, ये जो एम्फोटेरिसिन बी। अब उसका भी तकलीफ ये है कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो नेफ्रोटैक्सिक, मतलब अपने जो गुर्दा है, किडनी है, उसके ऊपर भी उसकी साइड इफेक्ट होती है, और उसको चलते भी पेशेंट को तकलीफ होती है, तो हमें काफी बैलेंस करना पड़ता है। पहले तो इस बीमारी से बचाव जरूरी है, और अगर चपेट में आ जाए तो पहचान जरूरी है, और सही इलाज शुरू हो जाए तो आसानी होती है, वरना ये इतना घातक है कि जान जाने का भी खतरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस घातक बीमारी का ज्यादा खतरा ऐसे लोगों पर है जो हाल फिलहाल में कोरोना से लड़कर इस जंग को जीत चुके हैं। तो सवाल है कि ऐसे तो एक दो लोग हैं नहीं, भारत में करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गए, तो क्या सभी पर खतरा है? सवाल का जवाब है नहीं, खतरा बुजुर्गों को ज्यादा है, हार्ट, किडनी, लीवर या कैंसर के मरीजों को ज्यादा है,
शुगर के मरीजों को ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें खतरा ज्यादा, और इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी जारी की जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। उस एडवाइजरी को आपको बहुत ध्यान से गौर से देखना है और इसमें क्या बताया गया है अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। ये ब्लैक फंगस नाक मुंह और कटी त्वचा के जरिए शरीर में घुसता है, इसलिए नाक मुंह को ढककर रखना जरूरी है। धूल, खेत और नमी वाली जगह जो है उनसे बचाव रखना है। शरीर पर पूरे कपड़े यानी आपके स्किन को ढकने वाले कपड़े पहनने हैं और त्वचा को भी कटने फटने से बचाना है। साथ ही अगर तमाम सावधानी बरतने के बावजूद कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दें, किस तरह के, जैसे कि आपको बता रहे हैं, सांस में रुकावट, नाक और जबड़े में दर्द हो, नाक से काले या लाल रंग का स्त्राव हो, चेहरे में एक तरफ सूजन या फिर दर्द महसूस करते हो, नाक के आसपास की त्वचा काली दिखे और साथ ही दांत या जबड़े में दर्द महसूस हो, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ती दिखे या ब्लर्ड विजन जिसे कहते हैं आप वैसा महसूस करें, इसके अलावा अगर आपको बुखार आए, सिर दर्द हो, तो कोरोना ठीक होने के बाद भी ये लक्षण इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर से फौरन जांच करा लेनी चाहिए। ICMR कहता है कि ऐसे किसी भी लक्षण की अनदेखी या नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है और संभव हो तो ऐसे मरीजों के इलाज में आंखों के डॉक्टर, जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया ब्लड विजन की प्रॉब्लम आ सकती है और दिक्कतों के साथ, ENT स्पेशलिस्ट, इसके अलावा डेंटिस्ट, क्योंकि हम जबड़े के बारे में आपसे बार बार बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट, इनसे आपको संपर्क करना है। ये वो विशेषज्ञ हैं जिनकी राय बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि बीमारी और उसकी गंभीरता की सही वक्त पर पहचान हो सके और आशंकित खतरे को देखते हुए समुचित इलाज भी किया जा सके, क्योंकि इस बीमारी का इलाज आसान नहीं। एक तो महीने भर वैसे ही लंबा इलाज चलता है कोविड का, फिर ऊपर से रोज़ 9,000 रुपये के इंजेक्शन लगाने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, परेशान होने से आपको बचना। तो कोरोना से देश दो फ्रंट्स पर लड़ रहा है, दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक तो कोरोना के मरीजों के इलाज की चुनौती है और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को वैक्सीनेट करने का चैलेंज है। लेकिन आजकल देश में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, दरअसल वो तस्वीरें ही चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के लिए जो भीड़ पहुँच रही है वो इतनी बेसब्र है कि उन्हें वैक्सीन मिले ना मिले, लेकिन कोरोना का संक्रमण मिलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अगर आप भी वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आप वैक्सीन लेकर लौटें सेंटर से कोविड नहीं। पटना की ये तस्वीरें देखिए, ये लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं ताकि कोरोना से बच सके। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का असर शुरू होने से पहले ये कोरोना से बच पाएंगे? भीड़ ऐसी है जैसे ट्रेन या थिएटर के काउंटर पर टिकट लेने वालों की होती है। किसी को फिक्र नहीं कि कोरोना दोबारा सिर उठा चुका है और उसी से बचने के लिए ये वैक्सीन लेने आए हैं। लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं किसी किसी को, अब उसके लिए मारामारी हो गई है और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, दो गज की दूरी कहाँ है कुछ? एज अ डॉक्टर भी मैं कह रहा हूँ कि हमें गैदरिंग से बचना है, लेकिन कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा, लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। गाजियाबाद में भी हाल कुछ वैसा ही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर इतनी भीड़ है कि किसी एक को कोरोना हो तो पूरी भीड़ को हो जाए। नोएडा में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो ऐसी भीड़ उमड़ी कि दो गज की दूरी खत्म हो गई। पुलिस लोगों को समझा बुझा कर लाइन में खड़ी करती दिखी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और ये आगरा के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। इस भीड़ को देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि ये कोरोना को हराने की कोशिश है या बीमारी घर लाने की जल्दबाजी। इसलिए अगर आप ऐसे किसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खड़ा होना जरूरी है ताकि आप एक और दूसरे से वैक्सीनेशन सेंटर पर भी दो गज की दूरी बनाकर रखें। यहाँ पर ये जो मास्क लगाए गए हैं ये इसीलिए लगाए गए हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताते हैं कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले
आप ग्लव्स पहन कर जाएं ताकि आप किसी भी चीज को छूने से बचें। दूसरी बात, आपको डबल मास्क पहनना है। जैसे मैंने अभी एक मास्क पहना हुआ है, इसके ऊपर एक मास्क और लगाइए अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, क्योंकि आप भीड़ के बीच में हैं और इसीलिए आपको डबल मास्क की ज़रूरत है। जब आप बाहर निकलेंगे तब आप इसमें से एक मास्क जो अंदर लगा है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसलिए नीचे डिस्पोजेबल मास्क लगा है और ऊपर ये डबल मास्क मैंने लगा लिया। ये हुई प्रोटेक्शन। उसके बाद आप चाहें तो ये सबसे बड़ी सुरक्षा है, फेस शील्ड लगा कर रखें। अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए। जैसे ही आपको ज़रूरत लगे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और लगातार थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए। इसके अलावा आपको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रहना होता है। कई वैक्सीनेशन सेंटर पर पानी, चाय इन सब की व्यवस्था रहती है। कोशिश कीजिए कि ऐसी जगहों पर आप पानी और चाय का इस्तेमाल ना करें, उनको ना पिएं। वैक्सीन लेते वक्त तक की ये सावधानी अगर आप बरत लेते हैं तो आप किसी तरह के संक्रमण से बचे रह सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल वैक्सीन लेने के बाद भी रखना है। वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे उसके बाद सबसे पहले इन ग्लव्स को इस तरह से उल्टा करके निकालना है। दोनों ग्लव्स को उल्टा करके निकालिए, सही जगह पर इसे डिस्कार्ड कीजिए। अपने गंतव्य पर पहुंचने या गाड़ी में पहुंचने के बाद इस फेस शील्ड को निकालिए। गाड़ी में हैं या घर पहुंच चुके हैं तो सिंगल मास्क कर सकते हैं, डिस्पोजेबल मास्क को आपको फेंक देना है। और घर पहुंचने के बाद अपने कपड़े बदल लीजिए, खुद को सैनिटाइज़ कीजिए। यही सबसे सही तरीका है, क्योंकि आप इतनी भीड़ वाली जगह से वैक्सीनेशन करवा के आए हैं। उसके बाद सुरक्षित रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिन कपड़ों में गए हैं उनको धोने के लिए रख दीजिए। चाहे तो खुद से नहा सकते हैं, वरना अच्छे से साबुन और पानी से अपने हाथ और मुंह को धो लीजिए और सुरक्षित रहिए। पूजा मक्कर, जी मीडिया, नोएडा। तो सावधानी बरतिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ, कोरोना संक्रमण के खिलाफ सावधानी ही बचाव है। तो भारत का हर नागरिक इस वक्त कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और भारत के कुछ नेता आपस में लड़ रहे हैं। अब तो विरोध की सियासत में ये सवाल भी उठाए जाने लगे हैं कि विदेशों से भारत को जो मदद मिल रही है उसका जिक्र सरकार क्यों कर रही है। सरकार कहती है कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो किया उसी का असर है कि आज पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए खड़ी है। मेंगलुरु पोर्ट पर INS कोलकाता 27 मीट्रिक टन ऑक्सीजन समेत तमाम राहत मदद के सामान लेकर पहुंचा। विशाखापत्तनम पोर्ट पर INS एरावत सिंगापुर से इलाज का सामान लेकर पहुंचा। हिंडन एयरपोर्ट पर विमान द्वारा इजराइल से इलाज की मशीनरी पहुंची। तो मुंबई में कतर से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर INS त्रिखंड पहुंचा। मेरे पीछे इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये INS त्रिखंड है। INS त्रिखंड दोहा गया था, वहां पर ये दो इस वक्त आप जो देख रहे हैं क्रायोजेनिक जो लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मदद भारत को उसके मित्र राष्ट्र फ्रांस से मिली है। फ्रांस लगातार भारत के साथ इस पूरे के पूरे कोरोना काल में खड़ा हुआ है। हम दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते आ रहे हैं और उसी दोस्ती की पहचान के तौर पर ये दो क्रायोजेनिक जो लिक्विड जो ऑक्सीजन गैस है उसके दो टैंकर आपको दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी ही नहीं, मुसीबत में भारत के लिए पूरी दुनिया से मदद के ऐसे हाथ उठे कि रोज भारत के हवाई अड्डों से लेकर समुद्री बंदरगाहों तक राहत के सामान पहुंच रहे हैं। भारत के साथ जब दुनिया पूरी एकजुट होकर खड़ी दिखाई दे रही है तो दुनिया का शुक्रिया अदा करने के लिहाज से बीजेपी ने भारत को मिल रही मदद का ब्योरा दिया। बीजेपी की ओर से किए गए इस ट्वीट का फौरन असर हुआ और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने लिखा कि विदेशी मदद पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के बैठक में भी मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई। हालांकि जो सुझाव कांग्रेस पार्टी अब मोदी सरकार को देती दिखाई पड़ रही है उस पर कांग्रेसी राज्यों में ही अमल होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचने वाली बात है कि भारत दुनिया भर के देशों को कन्विंस कर पाता है, लेकिन घर के भीतर ही विपक्ष सियासत करता है, या फिर कह लीजिए सरकार विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पाती। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।